जबलपुर में अटल विकल्प स्मार्ट इंडियन पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा गया कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी जन मुद्दों पर उतरेगी और जन समस्या के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसे रोकने में नाकाम सिद्ध हो रही है। इस बात को लेकर भी पार्टी द्वारा जनता के पास जाकर उनकी समस्याएं जानी जाएंगी। महंगाई हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आप बैंक निजीकरण हो, सभी जगह देखा जा रहा है कि आखिर में ये सारा बोझ जो है जनता पर ही पड़ना है। और आज अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अपनी सुकून वाली लाइफ छोड़कर और जो है इस कार्य में आगे बढ़ें, राजनीति में आएँ। आज हम पढ़े लिखे यदि राजनीति में आते हैं तो हो सकता है भविष्य में इसका स्वरूप कोई अलग होगा, इसलिए हम इस पार्टी में अब अग्रेसिव रूप से काम करेंगे। आने वाले विधानसभा और नगरी चुनाव में भी भाग लेंगे बढ़ चढ़ कर। आज दोनों पार्टी एक दूसरे के सिर्फ तंज मारने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है और जो अभी तत्काल की राजनीति है वह सिर्फ नफरत की राजनीति और जाति धर्म की राजनीति की जा रही है। बेसिक जो समस्याएं हैं, जो जनता को बेसिक ज़रूरत है, आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस पर कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज इन सबको देखते हुए आज हम सभी ने, कई संगठन ने मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी का तैयार किया हुआ है, जिसका हम लोग ने अटल विकल्प के नाम से आज से एक मुहिम छेड़ी हुई है। आज जनता को एक विकल्प की ज़रूरत है, ऐसा समझ में आने लगा है। एक उद्देश्य है कि हम जनता को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकें और महंगाई को पूरी तरीके से नियंत्रण में ला सकें। ऐसी बहुत सारी हमारे पास योजनाएँ हैं। यदि हमारी आने वाली जनरेशन और आने वाली जो भी जनता है, अगर इनको अच्छा भविष्य चाहते हैं तो एक बार हम सबको मौका दें।